पिछली सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स एक्सपेंशन, क्वेजार्स, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स और गामा रेज बर्स जैसे बड़े कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की खोज की है। ये संभव हो पाया है अभी तक के बने सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप की वजह से। इस टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पे रखा गया था। पूरी दुनिया को स्पेस के आश्चर्यजनक नजारों को दिखाने वाला ये टेलीस्कोप अचानक 13 जून 2021 को बंद हो गया है। इसमें फिट किए गए दो पेलोड कंप्यूटर्स में से एक प्राइमरी कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है और ये सेफ मोड में चला गया है। नासा इसके कंप्यूटर को बैकअप मेमोरी मॉड्यूल से रिस्टार्ट करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इससे पहले भी हबल टेलीस्कोप की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए 5 सर्विस मिशंस को लॉन्च किया जा चुका है। इन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स द्वारा इसके सॉफ्टवेयर और गायरोस्कोप के इश्यूज को फिक्स किया गया था। फिलहाल तो वैज्ञानिक सिर्फ कमांडिंग सिग्नल से ही इसे रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वैज्ञानिक इसमें जल्द ही कामयाब हो जाएं। एक खुशी की बात ये भी है कि नासा ESA CSA मिलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बना रहे हैं, जिसे नवंबर 2021 में लॉन्च करने का प्लान।